दोस्तों, एक गांव में अवधेश और उसकी पत्नी और उसकी बेटी बीनू तीनों एक साधारण से घर में रहते थे। अवधेश अपनी पत्नी और बेटी से कभी खुश नहीं रहता था। 5 साल की बीनू अभी से ही उसको बोझ लगती थी। एक दिन, बीनू और कुछ लोगे बेटा, थोड़ा सा दाल ले लो, आपको भी चाहिए कुछ? हाँ हाँ, इसे खूब ठूस ठूस के खिलाओ, कमा के खिलाएगी तुम्हें ना। जब देखो तब इसी के पीछे पड़ी रहती है, कितना खाएगी ये, दिन रात खाती रहती है। बीनू को लेकर अवधेश हमेशा चिढ़ता रहता था। बीनू को अपने पापा की बातें बहुत बुरी लगती थी। खिलाओ इसको बैठा के आराम से, मैं जाता हूँ और तुम भी भरपेट खा लो। अवधेश बरबराते हुए खाना छोड़कर घर से निकल जाता है। यह सब देखकर सावित्री की आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं। मम्मी आप मत रो ना, पापा तो रोज ही ऐसे बोलते हैं, आप क्यों दुखी होती हो मम्मी? सावित्री को अपनी बेटी को लेकर बहुत टेंशन रहता था, उससे भी ज्यादा वो और दुखी थी, क्योंकि अवधेश को बेटे की चाहत की वजह से वो फिर माँ बनने वाली थी। इधर अवधेश के दुकान में रामू आता है। भैया भैया, मेरे यहाँ शाम को निमंत्रण है, मेरे मालिक के यहाँ तीसरा बेटा पैदा हुआ है, आप शाम को जरूर आना। रामू की ये बातें सुनकर अवधेश, तुम्हारे मालिक कितने किस्मत वाले हैं, तीन तीन बेटे हो गए और एक भी बेटी नहीं है उनको। वह अपने तकदीर को कोसते हुए घर आता है। घर आता है तो देखता है सावित्री लेटी हुई है। फिर, बहुत ही आराम कर रही हो, आराम करना तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन याद रखना अब की बार मुझे बेटा ही चाहिए। अवधेश की बातें सुनकर सावित्री उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है। कहती है, जो दुनिया में बहुत लोग हैं ऐसे जिसका बेटा नहीं है। समय कहाँ रुकता है, देखते ही देखते 9वां महीना आ जाता है। एक दिन वह अवधेश से परेशान होकर अपनी माँ के पास फोन करती है। माँ, मुझे कैसे भी करके वहाँ बुला लो, नहीं तो अगर बेटी हो गई तो ये मुझे और मेरी बेटी दोनों को मार देंगे। वह बात कर ही रही थी तभी उसका पति वहां आके छुप के सब सुनता है। फिर वह दौड़ के गेट के सामने जाती है। वहां जाती है तो वो आग बबूला होकर उससे कहता है, तुम झूठे कह रही थी कि मैं मार दूंगा, सच में मैं मार दूंगा तुम्हारी उस लाडली को और जो अंदर है, अगर बेटी हो गई तो समझो कि तुम तीनों की तीनों गई। ये सब सुनते ही सावित्री भी गुस्से में बोलती है, कितने बदनसीब बाप हो जो अपने बच्चों के लिए इतना बुरा सोचते हो। बेटा और बेटी, बेटा माँ बाप की संपत्ति बांटता है और बेटियाँ अपने माँ बाप की दुख बांटती है। किस्मत वाले वो माँ बाप होते हैं जिनके यहाँ बेटी होती है। जानते हो जननी शास्त्र में क्या लिखा है? खुशी में सभी मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे दुख बांटने के लिए तो मेरी बेटी ही काफी है। उसकी बातों का कोई भी असर अवधेश पे नहीं पड़ता है और वह बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। सावित्री उसको जाते हुए देखती रह जाती है। और अगले ही दिन उसका बड़ा भाई घर आता है। उसको देखकर सावित्री बहुत खुश होती है। आने के बाद वह अवधेश से कहता है, अवधेश बाबू, मेरी माँ की बहुत जोर से तबीयत खराब है और मेरी बीवी भी बेड रेस्ट ही है, आपको पता है, कुछ दिनों के लिए सावित्री को मेरे साथ जाने दो, मैं फिर आकर पहुँचा जाऊँगा उसको, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, 2-4 दिन में मैं छोड़ जाऊँगा उसको। फिर अवधेश, ठीक है इसको ले जाओ, लेकिन इसका ध्यान रखना क्योंकि इसके पेट में मेरा खानदान का चिराग है, अगर अब की बार तुम्हें भांजा नहीं हुआ ना तो तुम अपनी बहन को और भांजी को हमेशा के लिए अपने पास ही रखना, समझे? ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन तो चैन से रहूं इन लोगों के जाने के बाद। सावित्री, तुमको मेरी बातें याद है ना? हाँ, याद ही रखना। उसके बाद सावित्री अपने भाई के साथ मायके चली जाती है। उसके मायके जाने के कुछ ही दिन बाद एक साधु बाबा उसके दरवाजे पे आते हैं। अलख निरंजन, इस चौकट पे तो भाग्य लक्ष्मी का योग दिख रहा है। राजन, यहाँ तो साक्षात लक्ष्मी का वास दिख रहा है, योग बन रहा है, लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे पे आ रही है। राजन, माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा तुम्हारे ऊपर है, अगर विश्वास नहीं है तो 1 सप्ताह में तुम देख लेना। अवधेश इतना सुनते ही,
सच बोल रहे हो, मैं तो ऐसे ही पहले से परेशान हूँ। एक बेटी है, इस बार बेटी नहीं, तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी जी आ रही हैं। तुम परेशान मत हो, बेटे की चाह में मरो मत बेटा, मेरी बात मान लो। उसके बाद साधु वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन अवधेश दुकान पे जाने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में चलते चलते उसे एक पोटली दिखती है। फिर वह उस पोटली को जल्दी से उठाता है और उठाने के बाद इधर उधर देखता है, उसको कोई नहीं दिखाई देता है। फिर वह जल्दी से पोटली अपने घर में ले जाकर रख देता है और रखने के बाद दुकान पे पहुंचता है। फिर वहां उसके सेठ, अवधेश तुम्हारा मैं एक साल से पेमेंट नहीं बढ़ाया हूँ, तुम्हारी मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह में 1,000 रुपया बढ़ाता हूँ। इतना सुनते ही अवधेश के कानों में साधु की बातें गूंजने लगती है। अलख निरंजन, इस चौकट पे तो भाग्य लक्ष्मी का योग दिख रहा है। वहाँ से आने के बाद वह सावित्री के पास जल्दी से फोन लगाता है। फोन पे पता चलता है उसको लड़की हुई है और उसका साला सावित्री को लेकर घर आ रहा है। फिर वह खुशी से बाजार से मिठाई लेने जाता है, तभी सावित्री घर में आ जाती है। जब अपने पति को घर में आते देखती है तो वह रोने लगती है और कहती है, इसको मत मारिएगा, ये देखिए छोटी सी मासूम है, आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए। इतना सुनते ही अवधेश बोलता है, सावित्री मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, ये बेटी नहीं मेरी धन लक्ष्मी मेरे घर पधारी है, तुम रोना बंद करो। अवधेश का हृदय परिवर्तन देखकर सावित्री चौंक जाती है और मन ही मन माँ लक्ष्मी को धन्यवाद देती है। अब अवधेश बहुत ही प्यार कर रहा था दोनों बेटियों को, यह देखकर सावित्री बहुत खुश थी। एक दिन अवधेश उस साधु वाली सारी बातें बताता है सावित्री को। सावित्री उस साधु को मन ही मन धन्यवाद देती है। कुछ दिन बीतता है, फिर उसके भैया आते हैं और सावित्री को सब कुछ बता देते हैं। साधु बनकर मैं ही आया था और वो रास्ते में पोटली भी मैंने ही पैसे की गिराई थी, और उस सेठ को भी मैंने ही कहा था कि तनख्वाह बढ़ा दे, इसके लिए मैंने सेठ को भी पैसा दिया था। अब तुम कभी दुखी मत होना, और हाँ देखना बीच बीच में भी मैं उनको यह चमत्कार दिखाता रहूँगा। अपने भाई की बातें सुनकर सावित्री बहुत भावुक हो जाती है। अपने बहन का घर बसाने के लिए उसका भाई क्या क्या नहीं किया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। बेटियां समाज की जननी है, इसलिए इसको प्यार से पालिए और इसकी देखरेख बढ़िया से कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं।